आम जनता को सर्व सुलभ हो कोरोना वैक्सीन, स्वदेशी जागरण मंच ने पेटेंट कानून हटाने की मांग। स्वदेशी जागरण मंच ने भारत सहित अन्य पिछड़े देशों में कोरोना वैक्सीन और इससे संबंधित दवाइयां प्रत्येक मानव को सर्व सुलभ उपलब्ध करवाने हेतु अभियान छेड़ रखा है। चित्तौड़ प्रांत प्रचार प्रमुख डॉक्टर संत कुमार ने बताया कि स्वदेशी जागरण मंच विश्व भर में कोरोना वैक्सीन के पेटेंट कानून का विरोध कर रहा है, जिसे विश्व भर से भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। वर्तमान समय में कोविड-19 से पूरा विश्व जूझ रहा है, हमारा देश भी गंभीर संकट में है। इससे मुक्ति पाने का प्रभावी उपाय अतिशीघ्र टीकाकरण एवं दवाइयों की सहज उपलब्धता ही है, किंतु पेटेंट कानून के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा। डॉक्टर संत कुमार ने बताया कि विश्व व्यापार संगठन व सरकारों पर इस बात का दबाव बनाया जाए, जिससे पेटेंट कानूनों में छूट देकर सरकार अन्य कंपनियों को कोरोना वैक्सीन और महामारी से संबंधित अन्य दवाइयों के निर्माण की अनुमति प्रदान करे। वर्तमान समय में भारत में 2 कंपनियां ही कोरोना वैक्सीन का निर्माण कर रही हैं, जबकि भारत में वर्तमान में 25 ऐसी फार्मा कंपनियां हैं जिनको यदि पेटेंट कानून से राहत मिले और तकनीक का स्थानांतरण हो तो यह 25 कंपनियां कोरोना वैक्सीन का टीका बनाने में सक्षम हैं। डॉक्टर संत कुमार ने बताया कि इस कार्य के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से आमजन तक मोबाइल लिंक भेजकर जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आमजन कोरोना वैक्सीन से पेटेंट हटाने व भारत की अन्य सक्षम कंपनियों को कोरोना वैक्सीन निर्माण का अधिकार प्रदान करने की मांग कर रहे हैं। जन जागरण अभियान के अंतर्गत देश भर में व देश के बाहर भी टीकों व दवाइयों की सर्व सुलभता के लिए यूनिवर्सल एक्सेस टू वैक्सीन एंड मेडिसिन अर्थात युवम के नाम से अभियान चल रहा है। इसमें ऑनलाइन हस्ताक्षर अभियान सहित वेबिनार, गोष्ठियों, प्रदर्शन, संपर्क प्रचार की प्रक्रिया चल रही है। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। आज के संदर्भ में कोरोना वैक्सीन प्रत्येक मानव को सर्व सुलभता के साथ उपलब्ध हो, इसी अभियान को लेकर स्वदेशी जागरण मंच एक विश्व भर में जन जागरण अभियान चला रहा है, जिसका उद्देश्य है प्रत्येक मानव को कोरोना की वैक्सीन उसके मानव अधिकारों के तहत मिले। विश्व की बहुत बड़ी फार्मा कंपनियां इस वैक्सीन का निर्माण कर इसे महंगे दामों पर सरकारों को बेच रही है और भारी मुनाफा कमा रही है। स्वदेशी जागरण मंच इसका विरोध करता है। स्वदेशी जागरण मंच ये मांग करता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के तहत कोरोना की वैक्सीन पेटेंट से मुक्त हो और सरकारें सक्षम कंपनियों को इसे बनाने का लाइसेंस प्रदान करें और तकनीक का स्थानांतरण हो, जिससे कि भारत के अंदर वर्तमान समय में 25 ऐसी कंपनियाँ हैं जो कोरोना की वैक्सीन तैयार कर सकती है। ऐसे में यदि उन कंपनियों को इसके निर्माण की अनुमति मिलती है तो भारत की 200 करोड़ की आबादी को जल्द से जल्द कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध होगी। संत कुमार, प्रचार प्रमुख, चित्तौड़ प्रांत, स्वदेशी जागरण मंच, अजय मेरू।